नमस्कार, सत श्री अकाल सबको मेरे तरफ से। मेरा नाम डॉक्टर अभिरूप चैटर्जी है। मैंने मेरा इंटरनल मेडिसिन ट्रेनिंग कंप्लीट किया है, उसके बाद आई डिड माय डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फ्रॉम पीजीआईएमएस चंडीगढ़। नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग हियर। हमारे अस्पताल में अभी बहुत सारे मरीज़ आ रहे हैं पेट के बहुत प्रॉब्लम्स के साथ। ये पेट की प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिससे पेशेंट्स बहुत दिनों से परेशान रहते हैं, दवाई लेते हैं, ठीक नहीं हो पाते। तो हम यहाँ पे इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे सर्विसेज के साथ आए हुए हैं। यहाँ पे एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी जैसे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हम करते हैं, जिसमें बायोप्सी जब ज़रूरत होती है तब हम करते हैं। आदत जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बहुत सारे टाइम्स पेशेंट्स हमारे पास ब्लीड के साथ आते हैं, जैसे वॉमिट के साथ या स्टूल के साथ ब्लड आता है, तो उसके रिगार्डिंग हम जितने भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारे हमारे पास मौजूद रहते हैं, जैसे हीमोक्लिपिंग या फिर वेरिसेल बैंड लाइगेशन या फिर अदर देन एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरेपी, प्लेसमेंट ऑफ डेनिसेला स्टेंटिंग्स एट्सेट्रा। और बाकी जैसे बहुत सारे स्ट्रिक्चर्स वगैरह, जब इंटेस्टिनल स्ट्रिक्चर्स होते हैं उसके लिए हम एंडोस्कोपिक बैलून डायलिटेशन करते हैं, ताकि वो स्ट्रिक्चर खुल जाए और पेशेंट्स का जो प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो जाए। अदर देन दैट, हमारे यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी बायल डिजीज़ के लिए जो ट्रीटमेंट्स है वो भी अवेलेबल है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़ जिसके साथ पेशेंट्स बहुत दिनों से परेशान रहते हैं, स्टूल के साथ ब्लड आती है, वजन घटता रहता है, और डायरिया जैसे कि दस्त कम नहीं होती है। ये सारे प्रॉब्लम्स का इलाज हम यहाँ पे करते हैं। अदर देन दिस, एक अलग एस्पेक्ट होता है लीवर। लीवर डिजीजेस आर ऑल्सो वेरी कॉमन, फैटी लीवर से लेके वायरल हेपेटाइटिस, क्रॉनिक अल्कोहलिक लीवर डिजीज़, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, काली पीलिया की जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं जिसके साथ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उसके इलाज भी हम करते हैं। इसके अलावा पैनक्रियास और हेपेटोबिलियरी सिस्टम इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्रॉनिक और एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के साथ जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उसका इलाज हम करते हैं, जिसके लिए पेशेंट को कभी कभी दाखिल करना पड़ता है, कभी कभी हम ओपीडी बेसिस पे भी कर सकते हैं उसका इलाज। गॉल ब्लैडर में स्टोन्स और सीबीडी यानी कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन्स के लिए जो इलाज, जैसे कि ईआरसीपी, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, बिलियरी स्टेंटिंग, स्टोन्स निकलना जैसे स्टोन एक्सट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, या फिर बिलियरी सिस्टम में कोई अगर गांठ की प्रॉब्लम है जिसको हम हेपेटोबिलियरी मैलिग्नेंसीज बोलते हैं, उसके लिए जो जो एंडोस्कोपिक इंटरवेंशन ज़रूरी होती है पेशेंट्स के लिए वो सर्विस भी हमारे पास मौजूद है। एंड लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारे डिपार्टमेंटल जो एक्टिविटीज़ हैं ये सारे ग्रेजुअली आपके सपोर्ट के साथ हम और बढ़ाएंगे। इसके लिए आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे आइए और जो भी आपके पेट के रिगार्डिंग जो भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको हम डिस्कस करके उसके लिए जो जो बेस्ट सर्विसेज हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।